हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आज किचन हिंदी। तो आज हम जानेंगे बैसाख बुद्ध पूर्णिमा। तो बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों में सबसे बड़ा उत्सव होता है। हिंदू धर्म में भी यह तिथि बेहद खास मानी गई है। ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है, अतः इस दिन चंद्रमा की किरणों में अधिक एनर्जी होती है। जो व्यक्ति मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, और इसका एक कारण यह भी है क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उसे मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि 2021 में बुद्ध पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि बहुत ही खास है और कब है इसका शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त है बुद्ध पूर्णिमा तिथि 26 मई बुधवार। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ है 25 मई रात 8:20 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है 26 मई शाम 4:40 पर। बुद्ध पूर्णिमा का व्रत 25 मई और स्नान दान की पूर्णिमा 26 मई को मनाई जाएगी। इसी के साथ अब हम जानते हैं बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की विधि। पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप चाहें तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा न कर पाए तो वह नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान कर सकता है। इस तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। आज के दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़ना व सुनना चमत्कारी फल देने वाला होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि इस दिन स्नान के बाद पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत पूरा करना चाहिए। इसी के साथ अब हम जानते हैं बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों के लिए विशेष मायने रखती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान बुद्ध को विष्णु जी के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य व्यक्ति के मन और शरीर पर पड़ता है। ज्योतिष में चंद्रमा को इसका कारक माना भी जाता है और चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा को अपने पूर्ण रूप या आकृति में होता है, इसलिए यह तिथि व्यक्ति के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। वही मनुष्य के शरीर में लगभग 80% द्रव्य पदार्थ है, इसलिए पूर्णिमा को चंद्र ग्रह की पूजा का खास विधान है। बहुत ही खास दिन है और इस दिन अब हम जानते हैं खास उपाय बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का। तो मान्यता है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु जी के नवे अवतार हैं, इसीलिए यह दिन बेहद पवित्र माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाने और फूलों से घरों को सजाने की परंपरा है। यह तिथि स्नान दान धर्म कर्म के कार्यों के लिए जानी जाती है। इस दिन मिठाई सत्तू जलपात्र वस्त्र दान करने और पितरों का तर्पण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर धन प्राप्ति के लिए सुबह पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित कर शाम के समय वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक जलाने से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये था खास वीडियो बैसाख बुद्ध पूर्णिमा के उपाय का। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। हिंदू सभ्यता के तीज त्यौहार व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ।